पहले आपसे जानना चाहूंगा, अलग अलग तरह के लोग, यू नो सेलिब्रिटी की अगर हम बात करूँ, किसी ना किसी सोशल इवेंट से या मुद्दे से जुड़ रहे हैं, आप किस मुद्दे से जुड़ रही हैं, इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। मैंने पिछले साल सिगरेट पीना छोड़ा और तब से लेकर आज तक और होपफुली मरते दम तक मैं सपोर्ट करना चाहूँगी नो स्मोकिंग कॉज को, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर चेन स्मोकर होते हुए मैं स्मोकिंग को गिव अप कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ऑल इन द माइंड, माइंड अबव मैटर। हमें लगता है कि मुश्किल है या बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑल इट टेक्स इज़ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ट्यूनिंग ऑफ आवर बिलीव्स। हमारे जो बिलीव्स होते हैं उन्हें जब हम चेंज करते हैं तो बॉडी अपने आप एडजस्ट करना शुरू करती है। कब एहसास हुआ आपको, जैसे आपने बताया एक साल पहले आपने सिगरेट पीना छोड़ी, वो कब एहसास हुआ कि यार छोड़नी चाहिए? किसी ने बताया या आपको खुद महसूस हुआ, या फिजिकली कुछ आपको लगने लगा कि यार आई एम नॉट दैट फिट या कुछ? यस, पिछले कुछ सालों से मैं महसूस कर रही थी कि वर्कआउट करने के टाइम नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो मेरे हो रहे थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। मुझे पता चला कि मेरी स्टैमिना कम हो रही है एंड मेरी एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी एंड जो एजिडिटी मुझ में हुआ करती थी, एनर्जी एंड एक्साइटमेंट लाइफ को लेकर, वो धीरे धीरे सब कम होने लगा। एंड आई स्पोक विथ माई डॉक्टर लास्ट ईयर एट लेंथ कि डॉक हो क्या रहा है, वाई इज़ इट कि मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही हूँ या लाइफ बोरिंग लगने लगी है, क्यों? देन द डॉग सेड कि व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग एंड सी दी बेनिफिट्स, दी साइड इफ़ेक्ट्स। और गिव अप करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि यू नो जान में जान आ गई है। अब पहले से ज़्यादा वर्कआउट कर रही हूँ एंड एपेटाइट बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। आई ईट गुड न्यूट्रिशियस मील्स एंड एक अजीब तरह की एक्साइटमेंट आई है लाइफ में। सुबह जल्दी उठने का मन करता है एंड एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करने का मन करता है। सो आई कैन सी दैट यस, सिगरेट छोड़कर सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हुए हैं। एंड रही बात यू नो बॉडी की, तो मुझे लगता है कि बॉडी हमारी बहुत ही आसानी से एडजस्ट करती है। अगर हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी बॉडी ब्रीथ करना बंद नहीं करती है, करेक्ट, एडजस्ट कर लेती है। तो उसी तरह हमें बस अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि यस दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू गिव इट अप, इट इज़ नॉट इन माई बेस्ट इंटरेस्ट्स। एंड बॉडी जो है उसको, उस बिलीव को मानने लगती है एंड उसी तरह एडजस्ट करना शुरू करती है। ओके, क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को, क्यों क्या सलाह देना चाहेंगी, खास करके यंगस्टर्स की हम बात करें, नई जनरेशन की बात करें, वो आइकॉन मानते हैं, आप अपने आप में एक आइकॉन हैं, लोग पसंद करते हैं, खास फैन फॉलोइंग है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या आपने इसके लिए कोई मैसेज तैयार किया है कि यंगस्टर तक पहुँचे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि गाइज, इफ आई कुड डू इट सो कैन यू। चेन स्मोकर यूजुअली कितने सिगरेट्स पीते हैं पर डे, 20, 25, 30, 40? तो जब सिवियर एडिक्शन को मैंने गिव अप किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस हमें वो जो फॉल्स बिलीव्स होते हैं हमारे दिमाग में कि नहीं, निकोटीन इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, टेंशन होती है तो सबसे पहले हाथ यू नो हाथ बढ़ता है सिगरेट की तरफ, हमें लगता है कि एक दो सिगरेट पी लेंगे तो टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है स्ट्रेस और निकोटीन में। अगर सच में ऐसा होता तो डॉक्टर्स हमें कहते कि अच्छा आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आप एक काम कीजिए, आप 3-4 सिगरेट्स पी लीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम है, आप एक सिगरेट से काम चला लीजिए, करेक्ट। तो साइंटिफिकली इट इज़ नॉट प्रूवन कि स्ट्रेस इज रिलेटेड, मतलब निकोटीन इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, दिस हैज़ नॉट बीन प्रूवन। तो हम अपने दिमाग में ये गलतफहमी क्यों पाल रहे हैं कि सिगरेट पीने से टेंशन कम होती है? बिल्कुल कम नहीं होती है, इनफैक्ट सिगरेट पीने से हमारी लाइफ लाइन ज़रूर कम हो जाती है। तो ये जो हम फॉल्स बिलीव्स
अपने दिमाग में बनाते हैं, इन्हें पालते हैं, इन्हें सबसे पहले हमें दूर करना चाहिए। कई लोगों का ये मानना होता है कि सिगरेट पिए बगैर वो बाथरूम नहीं जा सकते। अगेन, क्या हमारी बॉडीज़ डिपेंडेंट हैं किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर बाथरूम यूज़ करने के लिए? बिल्कुल नहीं। आर बॉडीज़ आर हाईली इंटेलिजेंट, उन्हें पता है कि कौन सा काम कैसे किया जाता है, उन्हें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यूथ से ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ फॉर हेवन सेक, फॉर योर सेक, ये जो बोगस बिलीव्स, फॉल्स बिलीव्स एंड बेसलेस बिलीव्स हमारे दिमाग में हमने पाल रखे हैं, इन्हें आप चैलेंज कीजिए, इनका सामना कीजिए, मुंह तोड़ सामना, अपने आप से सवाल कीजिए। अच्छा, मैंने ऐसे ही किया था लास्ट ईयर। मैंने खुद से पूछा, शर्लिन क्यों पीती हो तुम सिगरेट? तो जवाब आया, क्योंकि अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कूल लगता है। क्यों कूल लगता है? टेंशन कम होती है। अच्छा, टेंशन कैसे कम होती है? तो जब मैंने खुद को इंटरोगेट किया, इन अ वेरी टफ हार्ड मैनर विदाउट शोइंग एनी सिंपथी, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वॉट आई वॉज थिंकिंग अबाउट निकोटीन वॉज कम्प्लीटली बेसलेस। निकोटीन इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर, बिल्कुल नहीं। आपको स्ट्रेस कम करना है, आप चिल कीजिए लाइफ में, गो फॉर अ स्विम, गो फॉर अ वर्कआउट, टॉक टू अ फ्रेंड। बात करने से मन हल्का होता है, सिगरेट पीने से दिल हल्का नहीं होता है। तो बस ये जो मैं बोलूँगी बेवकूफ़ी की बातें हमने अच्छी तरह से संभाल रखी अपने दिमाग में, इन्हें आप फ्लश आउट कीजिए जल्द से जल्द। ओके, क्या कोई वीडियो भी बनाया है आपने इस मुद्दे को लेके? और क्या ये 15 अगस्त की कुछ तैयारी है, या 15 अगस्त के दिन पैगाम देना चाहेंगे, या व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से? 15 अगस्त से पहले मेरा वीडियो रिलीज होने वाला है जिसका नाम है नो स्मोकिंग। एंड मेरी ये अपील है सबसे कि जैसे हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, वैसे हम क्यों ना निकोटीन से आज़ाद होकर एक बहुत ही हेल्दी लाइफ का जश्न मनाएं। हम कहें कि यस, आई एम फ्री, फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्री फ्रॉम निकोटीन, आई एम फ्री फ्रॉम फ्रॉम स्ट्रेस, आई एम फ्री फ्रॉम टेंशन, आई एम फ्री फ्रॉम हर वो बात जो आपको ज़िंदगी में पीछे की तरफ खींच रही है, उस बात से आप फ्री हो जाइए। मुझे जो फैक्टर पीछे खींच रही थी ज़िंदगी में, वो था निकोटीन। एंड टुडे आई एम फीलिंग मच मच मोर एनर्जेटिक, हेल्दियर देन एवर बिफोर। एंड इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि एज अ स्मोकर मैं हमेशा एक चूसे हुए आम की तरह लगती थी, ऑल ड्राइड अप एंड वेरी एनोरेक्सिक। और जब से मैंने स्मोकिंग करना गिव अप किया है, तब से आई लुक लाइक अ रसीला आम, एंड आई कैन सी इट इन द मिरर। आईना झूठ नहीं बोलता है। तो यस, थोड़ा सा मैंने वेट पुट ऑन किया है थैंकफुली। एंड मेरे डॉक्टर ने कहा कि इट्स ओके, जब कोई स्मोकर स्मोकिंग क्विट करता है तो थोड़ा सा वेट पुट ऑन करता है, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉट अ बिग डील, एंड इट्स हेल्दी वेट। तो उस हेल्दी वेट के चलते मैं पहले से ज़्यादा अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव लग रही हूँ। सो ह्यूज थैंक्स टू शर्लिन चोपड़ा फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ शर्लिन चोपड़ा। ओके, एक और आपसे पूछना चाहूँगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ आपका जो वीडियो बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं बन रहा है। मैंने अपना ये वीडियो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिखाया, एंड आई एम थैंकफुल कि उन्हें ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, एंड मेरी बातें उन्हें सिंसियर एंड ऑनेस्ट लगी, एंड वो चाह रहे हैं कि इस वीडियो के चलते वो महाराष्ट्र में और इंडिया में अवेयरनेस क्रिएट करें इस बात को लेकर कि एक स्मोकर अगर स्मोकिंग गिव अप कर सकता है, तो बाकी के स्मोकर्स गिव अप क्यों नहीं कर सकते हैं स्मोकिंग? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। एंड ये जो मिथ है कि वंस अ स्मोकर ऑलवेज अ स्मोकर, ये सरासर झूठ है। एंड मैं चाह रही हूँ कि इस इंटरव्यू के चलते ये जो मिथ है ये बस्ट हो जाए। ये सच नहीं है कि वंस अ स्मोकर इज ऑलवेज अ स्मोकर, नहीं, आप जब चाहे गिव अप कर सकते हैं, पावर आपके हाथ में है। बस अपने वो जो फॉल्स बिलीव्स हैं, बोगस बिलीव्स हैं, उन्हें आप फाइन ट्यून कीजिए, उन्हें आप अपने दिमाग से फ्लश आउट कीजिए, एंड फिर देखिए कि कैसे, जब आप चाहोगे कि आप एक सिगरेट उठाएं, उसे
जलाएं, आपकी बॉडी कोऑपरेट नहीं करेगी आपके साथ. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी आपके फॉल्स बिलीफ्स को अब नहीं मानती है. सो दैट इज़ द पावर ऑफ अ बिलीफ.